प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स मोटो इज द दियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल आज हम गोहर साइंस क्लास फाइव का चैप्टर टेन कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ जी स्टूडेंट्स आपको याद है हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मॉडल मेकिंग की थी आज हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाएंगे तो चलें अपनी बुक का पेज नंबर 125 ओपन कर लें और सीखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना जी तो स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 125 पर देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बनाते हैं चलें मॉडल मेकिंग करते हैं जो कि हमारी एक बहुत मजे की एक्टिविटी है आपने एम्पटी शू बॉक्स लेना है इलास्टिक रबर बैंड लेना है डिफरेंट विद्स के उसके बाद आपने कार्डबोर्ड ट्यूब लेनी है सीजर लेनी है कलरफुल पेपर और ग्लू लेनी है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप अपने शू बॉक्स को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लें उसके बाद कट अ होल ऑफ अबाउट टेन सेंटीमीटर्स डायमीटर इन द लेड ऑफ द बॉक्स उसके बाद उस होल को अपनी ट्यूब के अकॉर्डिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉक्स रख लें अब मार्क कर लें कट्स ऑन द ट्यूब एंड जॉइन द बॉक्स ठीक है स्टूडेंट्स आपके सामने नंबर वन पे आपने ट्यूब बनाई है और उससे पहले आपने डिकोर किया है अपने शू बॉक्स को अब स्ट्रेच फाइव और सिक्स रबर बैंड्स ओवर द बॉक्स आप देख रहे हैं फाइनल में आपने रबर बैंड्स को स्ट्रेच किया हुआ है तो आपने अब क्या करना है अ पेंसिल अंडर द बैंड्स ऑन अदर साइड ऑफ द होल ठीक है एंड देन प्लक रबर बैंड्स टू प्ले द म्यूजिक बहुत मजे का म्यूजिक बनेगा चले इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है ना अगर आपको कट लग जाता है तो आपकी मम्मा ने एक बॉक्स बनाया होता है जिसके अंदर कॉटन होती है फायोडीन होती है और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं एक छोटी सी सिजर होती है और बैंडेज मौजूद होती है इस बॉक्स को क्या कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स जी ओके नाउ एट एनी मोमेंट अराउंड अस कुड एक्सपीरियंस एन इंजरी और इलनेस कभी कभी दोस्त को भी जख्म लग जाता है तब हम क्या करते हैं अपना फर्स्ट एड निकालते हैं जिसमें हमने थोड़ी सी जो है वो मेडिकल चीज़ें रखी होती हैं इन द केस ऑफ अ सीरियस मेडिकल इमरजेंसी इट मे इवन सेव अ लाइफ कभी कभी इससे ज़िंदगी भी बच सकती है इसलिए आपने अपने घर में भी फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखना है ठीक है वेन वी प्रोवाइड बेसिक मेडिकल केयर टू एन इंजर्ड और इल पर्सन इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड जब हम किसी भी बीमार शख्स को या ऐसा शख्स जिसको जख्म लग जाता है हम अपनी अप नॉलेज से उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं उसको भी हम फर्स्ट एड कहते हैं और हमारे पास जो बॉक्स होता है घर में उसको हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं आपके सामने बुक के पेज नंबर 125 पर फर्स्ट एड बॉक्स को दिखा रहे हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर सीजर है ब्लड प्रेशर की मशीन है और कुछ टैबलेट्स पड़ी हुई हैं जो हम फौरी तौर पे किसी बीमारी या इंजरी की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं चलें इसी तरह अब मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताती हूँ द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स टू डील विद एमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग अर्थक्वैक फायर और फ्लड इज कॉल्ड एज डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे कि जो अर्थक्वैक आ जाए या आप आपके घर में आग लग जाए या फ्लड आ जाए तब आपने अपने रिसोर्सिस को इस्तेमाल करके उस कंडीशन से उस सिचुएशन से किस तरह से बचना है उसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं अब आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आपने एक एनालॉग थर्मोमीटर लेना है और एक डिजिटल थर्मोमीटर लेना है जिससे आप अपने फ्रेंड का बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे ठीक है आपके सामने एक एनालॉग थर्मोमीटर है और एक डिजिटल थर्मोमीटर है चलें पेज नंबर 126 पर फर्स्ट एड फॉर वूंड के बारे में पढ़ते हैं अगर आपकी स्किन फट जाए या उस पर चोट लग जाए तो उसको वूंड कहते हैं वूंड आर कॉमन ऑन हैंड्स एंड फिंगर्स हाथ पे और उंगलियों पे आमतौर पर हमें चोट लग जाती है तो हम बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं टू कीप माइनर वूंड क्लीन टेक फर्स्ट एड किट एंड स्टार्ट योर जॉब अब आप क्या करेंगे सबसे पहले रिंस करेंगे अपने वूंड उसको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे फिर उसको बैंडेज के साथ कवर करेंगे और उसको बैंडेज को सेफली पिन कर देंगे बस हो गया फर्स्ट एड अब चेंज द बैंडेज अबाउट वंस अ डे। इफ द इंजरी इज रेड और स्वेलन इट मे हैव एन इन्फेक्शन आपने अपनी बैंडेज को चेंज भी करना है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके ठीक है स्टूडेंट्स अब एक और एक्टिविटी देखते हैं बॉडी यूज फर्स्ट एड बॉक्स टू ड्रेस इनफेक्शन ओके आपके इर्द गिर्द कोई भी बीमार पड़ जाए उसको चोट लग जाए तो आपने अपना फर्स्ट एड इस्तेमाल करना है अपनी सर्विसेज़ भी देनी है और फर्स्ट एड बॉक्स भी इस्तेमाल करना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आपने इस तरह से अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है शिफ्टिंग अ पेशेंट टू हॉस्पिटल में क्या करते हैं अगर किसी पेशेंट को इंजरी हो जाए और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाए उसको मेडिकल केयर की जरूरत होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट द टू टू मूव अ सेफ प्लेस सबसे पहले आप उसको एक महफूज जगह पर लेकर जाएंगे आप उसके वूंड या फ्रैक्चर को चेक करेंगे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बैंडेज कर देंगे और एम्बुलेंस को बुलाएंगे एम्बुलेंस का क्या नंबर है जी वन वन टू टू जब वो आ जाएगी तब आप उसको एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे और उसके रिश्तेदारों को कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि उनका जो रिलेटिव है वो बीमार है और हॉस्पिटल में है ओके okay, स्टूडेंट्स अब एक और एक्टिविटी करें टीचर्स के साथ आपने रिहर्सल करनी है फर्स्ट एड की और पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने का तरीका और हमारी फर्स्ट एड के बारे में अब आपके इर्द गिर्द जब भी कोई बीमार हो या उसकी तबीयत खराब हो किसी के सर में दर्द हो किसी को टेम्परेचर हो या चोट लग जाए तो आपने फ़ौर से अपनी फर्स्ट एड की खिदमा अंजाम देने लग जाना है और अपने घर में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करना है ओके स्टूडेंट्स उम्मीद है अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे क्योंकि आप इसको जान चुके हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर अपने इर्द गिर्द लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करें अल्लाह हाफिज